स्टीम महादेवी वर्मा ने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक गद्य खंड है। भक्ति के बारे में पढ़ने से पहले उसकी कहानी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस लेसन में कौन से पात्र हैं, किस पात्र की क्या भूमिका है। सबसे पहले कहानी का पता लगाने से पहले हमें उसके पात्रों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें उस कहानी के बारे में पता चलेगा। इसमें सबसे मेन रोल यानी मेन पात्र दो जनों ने निभाया जिसकी इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। सबसे पहले है भक्ति और दूसरे नंबर पर है लेखिका। भक्ति जो 75 वर्ष की आयु है उसकी, उसकी जो उम्र है वो 75 वर्ष है। वह उसका जो कद काठी है वे छोटे कद की है और दुबली पतली नारी है। उसने गले में कंठी पहन रखी है, कंठी और उसका जो पुराना नाम है वो लक्ष्मी है, यानी उसकी जो घर का नाम है, मायके का नाम है वो लक्ष्मी है, लेकिन हिंदी में शुद्ध करके उसको लक्ष्मी कहा जाता है। उसका जो गाँव है वो है झूसी, उसका जो गांव वो झूसी है, लेकिन 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया था। उसका विवाह हुआ था हड़िया गांव में, जो विवाह करके उसके गांव का नाम पड़ा वो हो गया हड़िया गांव। और 5 वर्ष की आयु में उसकी विवाह हो गया था और 9 वर्ष की आयु में उसका गोना हो गया था। गोना यानी वो अपने घर चली गई थी विवाह करने के बाद, अपने ससुराल चली गई थी। 9 वर्ष की आयु में उसका गोना हो गया था और जो उसका लालन पालन है वो उसकी वी माता ने यानी सौतेली मां ने किया था। उसके गोने के बाद यानी उस जब अपने ससुराल चली गई थी उसी के बीच में उसके पिता का देहांत हो गया था। यानी टोटली मिलाकर अगर हम कहें तो जो भक्ति है उसका जीवन दुखमय था, इतना सुखमय नहीं था, वो हमेशा दुखों में ही रही है। उसके पिता का जब देहांत हुआ तो उसको किसी ने नहीं बताया कि उसके पिता का देहांत हो गया, उनके पिताजी मर गए। तो कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने कहा कि अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आप अपने मायके चले जाओ। वो खुशी खुशी होकर अपने मायके चली गई मिलने के लिए उनसे, लेकिन जब वो अपने घर पहुंची तो उसकी जो वी माता थी यानी सौतेली माँ थी उसने उसको खड़ी खोती सुनाई, जिसके कारण वो बिना पानी पिए ही अपने ससुराल चली गई। और अपने ससुराल में जाते ही उसने सारा गुस्सा अपनी सास पर निकाल दिया। तो उसने ये कह दिया कि मेरे पिताजी मतलब मर चुके हैं और किसी ने मुझे नहीं बताया। उसके बाद उसने कभी भी मायके का मुंह नहीं देखा। यहीं से उसके दुख और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद उसकी एक बेटी होती है, उसकी लगातार 3 बेटियां होती हैं जबकि उसकी दोनों जिठानियों के लड़के होते हैं, जिसके कारण उसकी स्थिति और भी डामाडोल होने लग जाती है, क्योंकि उस टाइम लड़कियों और लड़कों में भेदभाव किया जाता था। तो उसकी 3 लड़कियां होने के कारण उसको घर का सारा काम करना पड़ता था, उसकी लड़कियों को सारा काम करना पड़ता था और उसकी जिठानियां आराम से रहकर अपना लालन पोषण करती थी। उनके बेटों को तो मक्खन की रोटी, मलाई की रोटी के साथ खाना खिलाया जाता था, स्वादिष्ट व्यंजन दिए जाते थे, लेकिन उनकी बेटियों को गुड़ की डली के साथ सूखी हुई रोटी खानी पड़ती थी। और घर का सारा काम, गाय का गोबर मतलब पूरी टोटली उनका सारा घर का काम, सारे खेत का काम करवाया जाता था और बदले में उनका अपमान किया जाता था, उनको किसी प्रकार का सुख नहीं था। लेकिन हाँ, फिर भी भक्तिन खुश थी क्योंकि उसके जो पति थे वो बहुत अच्छे थे, उससे बहुत प्यार करने वाले थे। इसी दुख के चलते हुए उन्होंने अपनी बड़ी लड़की की शादी कर दी। उनकी बड़ी लड़की की शादी हुई तो उसके बाद ही एक और दुख का कहर उसके ऊपर हो गया, यानी भक्ति का जो दुख था वो और बढ़ गया। उसके जो पति थे उनका भी देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेवारी अकेली उस भक्ति के ऊपर आ गई। ऊपर से उनकी 2 लड़कियां जो भी कुंवारी है उसने कैसे भी कर उस लड़कियों की भी शादी करवा दी। और लड़कियों की शादी करवाने के बाद जब जेठ के जो लड़के थे और जेठ थे उन्होंने भक्ति की जो संपत्ति थी उसको हथियाने के लिए बहुत कोशिश की, उसका विवाह करवाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके दौरान ही उसने अपने बड़े लड़की को और बड़ी लड़की की जो दामाद है उसको अपने पास रख लिया, यानी उनको घर जमाई रख लिया, जिसके दौरान उनके दोबारा से ये जिंदगी चलने लगी। वो दोबारा से अपने घर संसार को बटोरने लगी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके दामाद की भी हत्या हो गई और लड़की विधवा हो गई। फिर से उनकी जेठ जिठानियाँ हैं उसकी संपत्ति पर उनकी नज़र पड़ने लगी, वे दोबारा से उसको तंग करने लगे।
लेकिन भक्ति ने फिर उनको अच्छी तरह से समझा दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी और ये मेरा हक है और मैं इसे संभालूंगी। वो अच्छी तरह से इसे संभालने लगी, लेकिन जिठानी का जो लड़का था, उसका जो साला था, तित्तरबाज था, उसने की नज़र उसकी विधवा बहन यानी उसकी भक्ति की विधवा लड़की पर थी, जो सबसे पहले नंबर की थी और जो घर आई हुई थी। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया, योजना बनाई। तित्तरबाज जो साला था वो उस लड़की के कमरे में चला गया। उस टाइम कोई भी उसके पास नहीं था। भक्तिन भी अपने काम करने के लिए अपने एक खेत में चली गई थी। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन जो भक्तिन की लड़की थी उसने शोर शराबा मचाया और उसे मारपीट करने लगी, जिसके कारण पूरे गांव इकट्ठा हो गया। पूरा गांव इकट्ठा होने के बाद आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में अगर ऐसी घटनाएं दिखाई देती है तो लोग पंचायत में आ जाते हैं। तो उस टाइम यही घटना हुई, वो पंचायत में आ गई और पंचायत में ये कहा गया कि ये दोनों एक ही कमरे से निकले हैं, जिसके कारण इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। लड़की और भक्ति दोनों के मनाही के बाद भी जबरदस्ती उसको उसके गले में बांध दिया गया। लड़का था वो तित्तरबाज था, जिसके कारण वो कुछ भी काम किया नहीं करता था और उल्टा उनकी जो कमाई होती थी, उनकी जो संपत्ति थी, उसको बेच बेच कर वो अयाशी करने लग गया, जिसके कारण भक्तिन का जो स्थिति थी, जो घर की स्थिति थी, वो और भी डामाडोल होने लगी। एक वहाँ का जो जमींदार था उसको कर देना था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में ऐसा भी पैसे नहीं थे कि वो उसको लगान चुका सके, उसको कर दे सके। तो उसने उसके बदले में उसको अपमानित किया और पूरे दिन एक दिन उसको धूप में खड़ा कर दिया, जिसके कारण भक्ति को बहुत अपमानित सहना पड़ा और इस अपमान का घूट वह न पी सकी और नौकरी करने के लिए वो दूसरे शहर में चली गई। यहीं से लेखिका का पात्र स्टार्ट होता है, क्योंकि जो भक्ति है वो नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में जाती है, दूसरे गांव में जाती है, जहां वो लेखिका के पास जाती है काम मांगने के लिए। और लेखिका उसे एक काम दे देती है, उससे पूछती है कि उसे सारा घर का काम आता है, तो वो हाँ भर देती है कि हाँ मुझे खाना बनाना और घर का सारा काम आता है। लेखिका उसे रख लेती है। लेखिका के रखने के बाद वह घर पर खाना बनाती है, लेकिन पहले ही दिन लेखिका को समझ आ जाता है कि इसको अच्छी तरह से खाना बनाना नहीं आता। वह उसके लिए दाल और रोटी बनाती है, जबकि वो एक ही रोटी खा पाती है लेखिका। और वह किसी स्कूल में अध्यापिका के पद पर काम करती थी। लेखिका है वो किसी स्कूल में अध्यापिका के पद पर काम करती थी। उस टाइम स्वतंत्रता आंदोलन के बागडोर चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे और लेखिका उसमें भी हिस्सेदार थी। जो भक्ति है वो उसकी दिलो जान से सेवा करती है, वह उसकी सेविका की तरह, हनुमान जैसे राम के साथ रहता था वैसे ही लेखिका महादेवी वर्मा के साथ रहती है। उसके हर कष्ट में, उसके हर दुख में उसका साथ निभाती है और उसे अच्छी तरह से संभाल कर रखती है। जब ये आंदोलन शुरू होने लगते हैं, यानी युद्ध शुरू होता है और भारत हारने लगता है, तब लेखिका के प्रति भक्ति चिंता करती है और भक्ति कहती है कि तू अपने घर चली जा, नहीं तो मेरे गांव में आ जा, वहां पे तुझे सारी सुविधाएं मैं उपलब्ध करा दूंगी। लेकिन लेखिका मना कर देती है। वह जो भक्ति है उसका जो पात्र है, जो उसके विचार है, वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, यानी वो पुराने ख्यालों की है। वो अपना खाना खुद बनाती है और किसी और का छुआछूत नहीं मांगती। वो यहाँ तक कि बाहर से आई रसगुल्ले को भी नहीं खाती और ना उसका मन ललचाता है। वो अपने हाथ से बने हुए खाने को ही खाती है, उसको बाहर के रसगुल्ले से अच्छा अपना गुड़ अच्छा लगता है। भक्ति को सबसे बड़ा डर कारावास से लगता है, यानी जेल से लगता है। वो तो हर किसी को लगता है, लेकिन भक्ति को सबसे ज़्यादा डर लगता है। उसकी ऊँची ऊँची दीवारें, उस पर बहुत सारी यातनाएँ दी जाती है, लेकिन फिर भी वह जब कोई विद्यार्थी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता है, वो जेल में चला जाता है, उसके लिए खाना बनाती है, उसका ख्याल रखती है और उसके बारे में सोचती है। और यहाँ तक कि हॉस्टल में जहाँ महादेवी वर्मा अध्यापिका के रूप नियुक्त है, वहाँ की हॉस्टलों की लड़कियों के लिए चाय बनाती है, खाना खिलाती है, इस तरह का उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। और साथ साथ में लेखिका और भक्तिन का भी व्यवहार बहुत अच्छा होता है। वह उसको अपनी दिल से उसे चाहती है और साथ में ही भक्तिन अपनी जिंदगी गुजारती है। जब
ये आंदोलन चल रहे होते हैं तो उसके छोटे दामाद और उसकी बेटी उसे लेने के लिए आती है, लेकिन वह अपना कर्तव्य समझ कर लेखिका को नहीं छोड़ती और उसी के साथ ही रहती है। इस तरह इस कहानी का अंत होता है और वह उसी के साथ रहती है और साथ में ही इस समाज की बुराइयों के बारे में भी पता चलता है कि इस समय हमारे समाज में कौन कौन सी बुराइयां थी जो घर कर गई थी, लड़कियों का क्या हाल था और लड़कों के बारे में क्या सोचा जाता था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।